नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा एक नए कार्ड को जारी कर दिया गया है जिसका नाम है NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं, आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं, अगर आप ये कार्ड ऑनलाइन आवेदन करके ये कार्ड को अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या इस कार्ड से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सब कुछ इस वीडियो को कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस कार्ड को अप्लाई करके ऑनलाइन अगर ये कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे प्ले स्टोर ओपन करिएगा, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है NHA, ठीक है। आपको यहाँ पर NHA लिख देना है, NHA लिख सकते हैं या फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे NHA लिख के सर्च कर देना। जैसे आप यहाँ NHA लिख के सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक ऐप देखने को मिलेगा। आपको इस ऐप को थोड़ा सा ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। योर हेल्थ योर चॉइस, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ये ऐप है। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इंग्लिश या हिंदी में। तो आपको यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप सुटेबल होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको नीचे देखने को मिलता है डोंट हैव एन आभार एड्रेस, आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिएगा यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट नाउ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्रिएट योर आभार नंबर, आपको इसी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर नीचे देखिएगा कंटिन्यू का एक ऑप्शन, आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, OTP ऑन मोबाइल नंबर लिंक टू आधार और यहाँ पे फेस ऑथ का। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको इसी वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP को सेंड किया जाएगा। OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं OTP को टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद बस आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। इसके बाद इंटर योर मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कर लेते तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपका जो कार्ड है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। योर आभार नंबर कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको डाउनलोड कार्ड का एक ऑप्शन देखने मिलता है। यहाँ पे बैक टू लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से आप अपने कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डाउनलोड कार्ड, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपका जो कार्ड है आपका यहाँ पर डाउनलोड भी हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा तो जो आपका कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक नंबर है आपको यहाँ पे आभार नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको यहाँ पे बैक चले आना है। देख सकते हैं इस तरीके का बैक टू लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके तो यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद साइन इन या साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे OTP को सेंड किया जाएगा। OTP को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए OTP को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं OTP को हम यहाँ फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद बस कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ID को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिएगा अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर लीजिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप आई और नंबर एड्रेस यहाँ पे KYC करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको लिंक भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको बैक भी कर सकते हैं। थोड़ा देर बाद भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला हुआ पहले आप समझ लेते हैं। तो अगर आप अपना आभार नंबर आप यहाँ पर बना लेते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिंक आभार नंबर। यहाँ से आप लिंक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपका कोई बीमार कभी आप बीमार हो गए हैं, कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप कहीं भी सर हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज करवाने,
तो अगर आपका आभा नंबर बना रहेगा तो जो भी आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे कि आपका मान लीजिए सीटी स्कैन हुआ है या फिर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे हुआ है, तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सब आपको इस नंबर में आपको ऐड हो जाएगा। आपको ऐड करने का जरूरत नहीं है, बस आपको वहाँ पर चले जाना है आपके आधार कार्ड नंबर से, आपके आभार नंबर से वो लोग वेरीफाई कर लेगा। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके कहीं हर जगह जगह जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो बीमारी रहेगा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वहाँ पर आपको वेरीफाई होगा, जो भी आपका सीटी स्कैन हुआ है, फिर जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वहाँ पर स्कैन किया जाता है, जैसे आपका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद इसे ऐड यहाँ पे आभार नंबर में ऐड हो जाएगा, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर अगर आप दूसरी जगह जाते तो आपको तीसरी जगह जाते तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ से ऑटोमेटिक वो लोग देख के आपका इलाज कर लेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।